का प्रचार प्रसार और आयुर्वेद की वैज्ञानिक दृष्टि से सेवा संशोधन व शिक्षण प्रदान करने के लिए गठित आयुर्वेद व्यासपीठ के रजत जयंती वर्ष निमित्त 11 से 13 नवंबर तक आयुर्वेद पर्व और अंतर्राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया गया है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सहयोग से कविवर सुरेश भट्ट सभागृह रेशम बाग में आयोजित चर्चा सत्र का उद्घाटन शनिवार 12 नवंबर को सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत करेंगे। कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के सभापति वैद्य जयंत देव पुजारी व धूपापेश्वर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत पुराणिक उपस्थित रहेंगे। पत्र परिषद में आयुर्वेद व्यासपीठ के संस्थापक अध्यक्ष वैद्य विनय वेलणकर ने कहा कि 11 नवंबर को सुबह 9:30 बजे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों मरीज चिकित्सा शिविर व स्वास्थ्य प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। आयुष मंत्रालय के आयुर्वेद सलाहकार वैद्य मनोज नेसरी, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली के अध्यक्ष पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा, आयुष महाराष्ट्र के संचालक वैद्य के राजेश्वर रेड्डी, रणजीत पौराणिक उपस्थित रहेंगे। 12 नवंबर को आयुष मंत्रालय के वैद्य कौस्तुभ उपाध्याय की उपस्थिति में आयुर्वेद औषधि निर्माताओं का सम्मेलन होगा। 13 नवंबर को सुबह 11:30 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हाथों परिषद का समापन होगा। नमस्कार, मी वैद्य रजनी गोखले, राष्ट्रीय अध्यक्ष आयुर्वेद व्यासपीठ। आयुर्वेद व्यासपीठ गेली 25 वर्ष काम करत आहे आणि आता रौप्य महोत्सवी वर्षाचा सांगता समारंभ 11-12-13 नोव्हेंबर नागपूर येथे होत आहे आणि त्या समारोपाच्या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी माननीय मोहनजी भागवत उपस्थित राहणार आहेत। त्याचप्रमाणे आपण तिथे एक रुग्णसेवा ओपीडी, निःशुल्क ओपीडी चालवणार आहोत 3 दिवस। एक प्रदर्शनी जनसामान्यांसाठी असणार आहे, त्याच्यामध्ये त्यांना दैनंदिन उपयोगी असं आयुर्वेदाची माहिती आपण तिथे देणार आहोत आणि औषधी कंपन्यांचे स्टॉल्स तिथे असणार आहेत। तर ह्याचं उद्घाटन आपण 11 नोव्हेंबरला करणार आहोत आणि यासाठी आपले उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस उपस्थित राहणार आहे। त्याचप्रमाणे उद्घाटनाच्या कार्यक्रमामध्ये गोवा मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत, आपले आयुष मंत्री माननीय सोनोवालजी, आयुष सचिव राजेशजी कोटेचा याप्रमाणे अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत। आणि 13 तारखेला या समारंभाचा जो समारोप कार्यक्रम आहे तो माननीय नितीनजी गडकरी यांच्या उपस्थितीमध्ये होणार आहे। तर जास्तीत जास्त नागरिकांनी इथे जी काही प्रदर्शनी आहे त्याचा लाभ घ्यावा, कारण केंद्र सरकारने आणि आयुष मंत्रालयाने जे हर दिन हर घर आयुर्वेद हा जो नारा दिला आहे आणि ही जी योजना आहे त्याच्यामध्ये या प्रदर्शनीचा लोकांना अतिशय लाभ होणार आहे। त्याचप्रमाणे आपण इथे 10 प्रकारच्या ओपीडी चालवणार आहोत, अनेक तज्ज्ञ वैद्य इथे निःशुल्क सेवा देणार आहेत। तर जास्तीत जास्त लोकांनी या ओपीडीचा सुद्धा लाभ घ्यावा, 3 दिवस ही ओपीडी चालणार आहे। तर अशा प्रकारे आपण एक भव्य कार्यक्रम या रजत महोत्सवी वर्षानिमित्त घेत आहोत। धन्यवाद। परिषद में देशभर के प्रसिद्ध वैद्य, कुशल चिकित्सक, विद्वान, आयुर्वेद शिक्षक और विद्यार्थी बड़ी संख्या में सहभागी होंगे। पत्र परिषद में पूर्व अध्यक्ष वैद्य संतोष नेवपुरकर, अध्यक्ष वैद्य रजनी गोखले, कार्यवाह वैद्य विलास जाधव, सह कार्यवाह वैद्य राजेश गुरु, कोषाध्यक्ष वैद्य आनंद टिम्भुर्णिकर, वैद्य मृत्युंजय शर्मा, वैद्य मृणाल जामदार, वैद्य श्रीकांत वणिकर, वैद्य प्रसाद देश पांडे, वैद्य हितेंद्र मेन उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मुहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।